जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक और ऑर्डर जारी किया गया है और ये ऑर्डर सभी सरकारी मुलाजमीन के लिए हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं। और इस ऑर्डर का निकालने का मकसद, जारी करने का मकसद सिर्फ ये समझ में आता है कि आप अटेंडेंस को यकीनी बनाना चाहते हैं, जो शिकायतें थी उनको दूर करना चाहते हैं। अगर कहीं पर कोई ग्रीवेंस थी, स्पेशली जो अटेंडेंस को लेकर थी कि कौन आता है, कौन नहीं आता है, कौन बिना अटेंडेंस के सैलरीज लेता है, वो तमाम चीज़ें नोटिफाई सरकार कर रही थी। अब जो ऑर्डर सामने आया है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से इस ऑर्डर के तहत सभी जो गवर्नमेंट दफातर हैं, सभी, और ये किसी एक के लिए नहीं, कश्मीर या जम्मू के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पीएसयूज जितने भी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस यानी जितने भी इदारे हैं और कॉरपोरेशंस हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, इदारे, कॉरपोरेशंस, पीएसयूज, सरकारी दफातर, उनके लिए ऑर्डर जारी किया गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को अब रेगुलरली या परमानेंट कह लीजिए आसान लफ्जों में इसको लागू किया जाए। हिदायत दी गई है, हुक्मनामा जारी हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी जितना जल्दी हो फौरन इस पूरे सिस्टम पर चला जाए। जो कागजी घोड़े दौड़ाते थे, कागजी लवाजमात होती थी, अराइवल, अटेंडेंस, रजिस्टर, कॉपीज, यानी वो पेपर वर्क ख़त्म करके अब सरकार पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ रही है और डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया। हुआ क्या है कि ऑर्डर जो जारी हुआ है उसमें सभी सरकारी मुलाजमीन को कहा गया है कि 15 जून से पहले तमाम डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमीन हैं उनको अपनी डिटेल्स लेनी है, लेकिन ये ऑफिशियल्स पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। सभी इंतजामी सेक्रेटरीज, एचओडीज जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं पीएसयूज़ के, इंस्टीट्यूशंस के, कॉरपोरेशंस के, उन सभी को कहा गया है कि अपने अपने सरकारी दफातर, अपने मातहत सरकारी दफातर, सरकारी कर्मचारियों के लिए जिन जिन डिपार्टमेंट्स को आप हेड करते हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है वो 15 जून से पहले पहले लगाया जाए, यानी मशीन इंस्टॉल की जाए 15 जून से पहले पहले, जो ऑर्डर कॉपी बताती है। इसके अलावा जो कंसर्न DDOs हैं उनको कहा गया है कि सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ की हैं सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर मिलती है 1 जुलाई 2022 से। अब इसका ऑफिशियली नफाज जो है, इससे पहले आपने देखा था शायद प्रैक्टिकल वर्क्स पे सरकार कर रही थी, देखना चाह रही थी कितना ये इंप्लीमेंट होने के चांसेस हैं। अब ऑफिशियली कहा गया जून का महीना छोड़कर 1 जुलाई के बाद सभी मुलाजमीन को जो सैलरी मिलेगी वो सिविल सेक्रेटरीट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी कहा गया है कि इस बेस पे मिलेगी कि अगर आपकी 25, 26, 28 दिन जितने भी आपके अटेंडेंस है लेकिन बायोमेट्रिक सेटिस्फैक्ट्री अटेंडेंस है, अगर वो अटेंडेंस पूरी पाई जाती है तभी आपकी महीने की सैलरी निकलेगी। ठीक है, 1 अगस्त 2022 से, माफ़ कीजिएगा मैंने जुलाई का कहा था पहले, जुलाई से क्या होगा कि जुलाई के बाद सैलरी निकलेगी। और जो अब कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से ऑर्डर के मुताबिक जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट के साथ हैं उनके लिए 1 जुलाई एक रखी गई है। मैं दोबारा से क्लियर कर दूँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट के अंदर उनकी सैलरी 1 जुलाई के बाद बायोमेट्रिक के बेस पर निकलेगी। इसी तरीके से वो एम्प्लॉयज़ जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज में हैं, यानी इनके जेर तहत मातहत काम करने वाले इदारे हैं, पीएसयूज़ हैं, कॉरपोरेशन हैं, इदारों के हैं, इनमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के आते हैं, उन पर सेटिस्फैक्ट्री बायोमेट्रिक अटेंडेंस 1 अगस्त 2022 से DDOs निकालेंगे। DDOs के जरिए सैलरीज की कंफर्मेशन की जाएगी, 1 अगस्त के बाद ऑफिशियली इसको लागू करने की भी बात कह दी गई है इस ऑर्डर में। 15 जून से पहले पहले इंस्टॉलेशन हो और 1 अगस्त के बाद जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, छोटे दफातर हैं या फिर बाकी मुलाजमीन हैं, उन सभी की सैलरीज इस हिसाब से निकलेंगी कि अगर उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पूरी होगी, और 1 जुलाई से उन मुलाजमीन की जो सिविल सेक्रेटरीट के दफातर के अंदर काम करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो फील्ड स्टाफ है, फील्ड के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उन्हें कहा गया है कि सभी एम्प्लॉयज़ की जो अटेंडेंस है फील्ड ड्यूटीज़ के अंदर हैं, इनमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, फिशरीज़ के हैं, फॉरेस्ट के हैं, वो तमाम लोग जो हैं उनके लिए क्या कहा गया है कि इन सभी के लिए फौरी तौर पर ऐसा कदम उठाया जाए, यानी एप्लीकेशन बेस्ड। इससे पहले मुलाजमीन क्या करते हैं, स्कूल पहुंचने पर कंसर्न अथॉरिटी को बता देते हैं कि हम कहां पहुंचे हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, वो एप्लीकेशन जो है इस बार कहा गया है कि उन सभी के लिए भी इकदाम फौरी तौर पर उठाए जाएँ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस। अगर बायोमेट्रिक वो नहीं कर सकते फील्ड में है तो उनके लिए एप्लीकेशन के जरिए ये मसला हल किया जाए। अब इसमें एक और चीज़ बड़ी बात है, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरीज, पुलिस पर्सनल, बीट गार्ड्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जिनमें हम देखते हैं फॉरेस्ट और फिशरीज़ के भी हैं, उन सभी के लिए जो डिपार्टमेंट्स के बाहर काम करते हैं, दिन भर फील्ड में होते हैं,
उनके लिए एप्लीकेशन के ज़रिए ये अटेंडेंस लेने की बात हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आईटी बेस्ड और बाकी जो टूल्स हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल 4 महीनों के अंदर किया जाना चाहिए। 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है, 4 वीक्स का, 4 मंथ का नहीं, 4 हफ्तों के अंदर वो जो तमाम वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं फील्ड स्टाफ के लिए वो पूरी करनी है, और बाकी जो सेक्रेटरीट से मुलाजमीन हैं उनके लिए 1 जुलाई के बाद ऑफिशियली सैलरीज मिलेंगी, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तभी मिलेगी। और जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें टीचर्स से लेकर आप देखेंगे कि बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उन्हें भी सैलरीज मिलेंगी, लेकिन किस बेस पे? सेटिस्फैक्ट्री आपकी अटेंडेंस होगी 1 अगस्त 2022 के बाद अगर बायोमेट्रिक होती है। अब जो मशीनें लगानी हैं, जो बायोमेट्रिक का सिस्टम इंस्टॉल करना है, वो 15 जून से पहले पहले तमाम एचओडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कंसर्न्ड डीडीओज को कह दिया गया है कि जो दफातर उनके मातहत आते हैं उस पर काम फौरी तौर शुरू किया जाए। तो ये सरकारी ऑर्डर है। अब इससे बच्चों को एक फ़ायदा है कि टीचर अब बहानेबाजी नहीं कर सकेंगे, और टीचर्स का भी बहुत नुकसान ये हो सकता है आने वाले दिनों में, जो मेहनत से बहुत सारे इलाकों के अंदर काम करते हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेट होता है ड्यू टू ऑफिशियल वर्क। तो अगर बाहर ही कहीं रह जाए, एग्जैक्टली उन्हें 10 बजे पहुंचना है, 9:30 नहीं पहुंच सके, यानी टाइमिंग से पहले नहीं पहुंच सके, 10:30 हो गए, तो वो थोड़ा सा लॉस आने वाले दिनों में। लेकिन बड़ी बात ये होगी, क्या सिर्फ मशीन लगाने से आने वाले दिनों के अंदर सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ये सख्त कदम है और सभी मुलाज़मीन के लिए एक जैसे ऑर्डर्स हैं। सैलरीज 1 जुलाई 1 अगस्त के बाद अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक अटेंडेंस निकलेगी, 15 जून से पहले पहले मशीनरीज इंस्टॉल होगी, और फील्ड स्टाफ के लिए मोबाइल एप्लीकेशन या जो आईटी के टूल्स हैं उनका सहारा लेकर एप्लीकेशंस के जरिए उनकी अटेंडेंस करवाने की बात कही गई है।